हरे कृष्णा राधे राधे। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता, नाम जाप में मन नहीं लगता, कभी कभी तो सेवा पूजा की इच्छा भी नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जरूर होता होगा, सभी के साथ होता है। देखो, ये बात हम समझ सकते हैं कि मन को वश में करना, प्रभु चरणों में लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कलयुग हर समय हर पल हमें अपनी ओर खींचता रहता है, जिससे मन भक्ति में लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में तो हमारा मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन इसे मनाए कैसे? तो आज इसी विषय पर एक प्रेरक कहानी आपके लिए लाई हूं, और इसे जानेंगे कि मन को वश में कैसे करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सिद्ध संत का आश्रम था, उनके अनेकों शिष्य थे। उन सब में एक शिष्य ऐसा भी था जिसका मन भगवान की साधना में नहीं लगता था। घर वालों के कहने पर गुरु आश्रम आ गया, गुरु दीक्षा ले ली, गुरु सेवा भी कर रहा था, पर भक्ति में मन नहीं लगा पाता। ऐसा नहीं कि उसे भगवान से प्यार नहीं था या वो भक्ति करना नहीं चाहता था, पर जब भी साधना करने बैठता मन इधर उधर भटकता। कभी सोचता आज भोजन में क्या बना होगा, या कभी घर पे माँ की याद आती, सोचता माँ काम कर रही होगी, पिताजी खेत गए होंगे। कहने का मतलब है, मन में इधर उधर के विचार आते ही रहते, कुछ काम के कुछ बेकाम के, बिना मतलब के। एक समय वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया और अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, साधना करने में मेरा मन नहीं लगता, मन में इधर उधर के विचार आते रहते हैं, कोई ऐसी साधना बताए जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरुदेव ने शांति से शिष्य की बात सुनी और कहा, पुत्र, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उनमें से दो बच्चे उठा लो और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो, अपने साथ रखो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वो शिष्य चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश है सो पालन तो करना ही है। उसने दो पिल्ले उठाए और अपनी कुटिया में ले गया। कुटिया में जाकर जैसे ही छोड़ा वो भाग गए। उसने फिर से पकड़ा, वो फिर से भाग गए। उसने फिर से पकड़ा और दूध रोटी खिलाई, पिल्लों ने वो आराम से खाई और उसकी गोद में सो गए। वो शिष्य उन पिल्लों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे वो पिल्ले भी उस शिष्य में रमने लगे। अब पिल्ले उसका साथ ही नहीं छोड़ते। हफ्ते भर बाद शिष्य पिल्लों के साथ गुरु के पास वापस आया तो गुरु ने पूछा, पुत्र, क्या हाल है? शिष्य बोला, गुरुदेव, शुरू में तो ये पिल्ले मेरे पास रुक ही नहीं रहे थे, पर मेरे प्रयास और प्रेम से अब देखिए ये मुझ में ऐसे रम गए हैं कि मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते, मैं जहां भी जाता हूं मेरे पीछे पीछे आते हैं। गुरुदेव बोले, पुत्र, बहुत सुंदर, पर अब तुम्हें ये करना है कि इन पिल्लों को अपने से दूर करो, जहां से लाए थे उन्हें वहीं छोड़ दो, इन्हें अपने से दूर भगा दो। शिष्य फिर अचरज में, गुरुजी अब ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं? पर गुरु पे उसे विश्वास था, इसलिए आज्ञा पालन तो करनी ही है। शिष्य ने उन पिल्लों को वहीं छोड़ा जहां से उठाया था। उस जगह पर उस पिल्ले के और भाई भी थे, पर फिर भी वो पिल्ले वहां रुके नहीं और शिष्य के पास ही वापस आ गए। शिष्य थक कर गुरुदेव के पास गया और अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर गुरु ने कहा, देखा बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, इनके साथ मेहनत की, तो अभी तुम्हारे बिना रहने को तैयार ही नहीं है। ठीक इसी तरह जब तुम भक्ति में भी ज्यादा मन लगाओगे तो मन उसी में रमेगा। अभी कलयुग में हमारा अधिक समय निकलता है, जिससे मन कलयुग की क्रियाओं में रमा हुआ है, पर अगर अब तुम अपना मन भक्ति में लगाओगे तो थोड़े से प्रयास के बाद ही मन भक्ति में लग जाएगा। भगवान की सेवा करो, उनका सुंदर श्रृंगार भजन कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से रमने बसने लगेगा। हर समय हर पल मन में भगवान के नाम का सिमरन करो, मन को ऐसी आदत हो जाएगी फिर अपने आप ही नाम जाप होने लगेगा।
हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं तो भगवान में मन कैसे लगेगा, क्योंकि आंखें तो इधर उधर कलयुग के प्रपंच देखती है। 16 माना नियम है, इसलिए बात करते हुए काम करते हुए माला कर रहे हो। नाम जाप का रस मन में कैसे उतरेगा? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ईश्वर के बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मंत्र समझ में आ गया और वो गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चला गया। कैसी लगी कहानी? आई बात कुछ समझ में? मन का रमा कर रखो, भक्ति में लगेगा जरूर। देखो, जब हम जाप करना भक्ति करना शुरू करते हैं तब शुरू में तो मन इधर उधर बहुत भागता है, मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। धीरे धीरे ये बात मन स्वीकार कर ही लेता है, इसके बाद ये नकारात्मक विचार आने भी बंद हो जाते हैं। नियम बांध कर नियम के साथ रोज भजन करो, मन भजन के लिए खुशी खुशी राजी हो ही जाएगा, लेकिन शुरुआत में जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। भजन नियम सुबह सुबह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उस समय पॉजिटिव एनर्जी का लेवल हाई होता है। सुबह के समय भजन करने से भजन बहुत आसान भी लगता है। अंत में कहूंगी, हमारी सोच ही हमें बड़ा बनाती है। अगर गुलाब की तरह खिलना चाहते हो तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी, गृहस्थी के साथ भक्ति का बैलेंस करना ही होगा। भक्ति के लिए एक बात और याद रखो, हमेशा खुश रहो, हर स्थिति में खुश रहो। जो हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत है, और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इच्छाओं तो बड़े बड़ों की भी पूरी नहीं होती। अगर आपको ये विचार पसंद आया, ये प्रेरक कहानी पसंद आई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही बहुत सी प्रेरक कहानियां आप हमारी वेबसाइट www.shyamdiwani.com पर पढ़ भी सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।